हमारे आदरणीय वंदनीय श्रद्धेय पूज्य शंकराचार्य जी भी उपस्थित, तो वहां उन लोगों ने कहा अहंकार नहीं करना चाहिए। अब देख लीजिए मैं कितना विलक्षण बोलता हूं। अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मुझे लाड में ब्रह्मांडपुरी नहीं कमंडलपुरी कहते थे बद्रीपुरी बापू डांगिया वाले, बोले वो कमंडलपुरी, अब तू बोल। तो पहली बात तो अपने से बड़ों के आगे विद्वता नहीं दिखाते। मैंने कहा गुरुदेव हमारी और आपकी बात में खुटर पुटर हो जाने वाला है, इसलिए ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा। बोले नहीं बोलना पड़ेगा, सीखेगा कैसे? बोले तो सीखने के लिए तो आए आपके पास, और बाकी लाइफ नेम इज लर्न एंड टीच, ये तो जिंदगी है, सीखने सिखाने में जानी है। मैंने कहा महाराज आपने कहा अहंकार मत करो, लेकिन ब्रह्मांडपुरी जी कहते हैं अहंकार करो, तो तर्क तो होना ही था। अहंकार करो लेकिन निकृष्ट नहीं श्री अहंकार करो। ये राज्य मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये अहंकार करेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। और मेरे भाई बहन अगर आपने ये अहंकार कर लिया कि ठाकुर मेरा ठाकुर की कृपा मेरी, तो इस अहंकार से ही भव पार हो जाओगे। निकृष्ट अहंकार नहीं श्री अहंकार करो। गर्व होना चाहिए हम सनातनी, गर्व होना चाहिए हमें माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, गर्व होना चाहिए मुझे गौ सेवा का अवसर मिलता है। बाकी तो राम नाम जपना पराया माल अपना, 10 लाख में कथा बेच रहे हो, बाद में कुष्ठ रोगी हो रहे हो, स्वामी जी मेरे को लिकोडर्मा हो गया। ब्रह्म और वेद को बेचना नहीं चाहिए, ये जगत के पालक हैं, प्रतिपालक हैं। और जहां इतनी स्पष्ट बाधिता से लिखा गया हो, स्वच्छ शब्दों में लिखा गया हो कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, इतने साफ शब्दों में जहां लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीवात्मा है शरीर नहीं, इसको पहले जानो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म, हर आदमी जानता है कि मैं जीवात्मा का अंश, मैं परमात्मा का अंश जीवात्मा हूं। मुझे पवन उड़ा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, तेज धार की तलवार हमें काट नहीं सकती, अग्नि हमें जला नहीं सकती, फिर भी ये नश्वर शरीर के पीड़ा में आघात का प्रतिघात क्यों? बनो ना परीक्षित, भागवत कथा सुनना है तो अष्टम दिवस में सप्तम दिवस में संतों ने प्रश्न किया, परीक्षित अब तुम्हें भय नहीं लगा है? क्योंकि विधि तो नहीं टलेगी, होनी नहीं टलेगी, भावी नहीं टलेगी, जो होना है होगा। और मृथा न जाय देव ऋषि बानी, झूठ कहीं तो साच ही जानी। संत का श्राप है वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, कुछ ही पलों में आपको सर्प दंश करेगा, तो क्या तुम्हें भय है? परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और यह सर्प इस शरीर को छू सकता है, इसलिए नश्वर को छोड़ दें, शाश्वत के सानिध्य में आए और इस जड़ को चेतन कर ले, तो भागवत कथा का आनंद है। परीक्षित जी को जब पता लग गया कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित ने क्या किया? सब छोड़ दिया और बचा हुआ समय हरि के सानिध्य में चले गए कि बीती चाह विसार दे आगे की सुधले। और हम जितने जितने नजदीक आते हैं उतने ही लोभ बढ़ता जा रहा है। दिवाली है तो बेटे के लिए ये लाना,
बहू के लिए ये लाना, पड़ोसी के लिए वो लाना। अरे मेरे भाई बहन, ये जगत छोड़कर उस यात्रा के लिए कुछ तैयारी है क्या आपके पास? मेरा एक बिहार का बच्चा था, सानिध्य में आया, बोले गुरुजी शहर और गांव का आप परिभाषा क्या है, कैसे हम समझे आपके साथ जा रहे हैं? हमने कहा बेटा, जब कुत्ते का बच्चा गोद में और खुद का बच्चा पैदल समझे तो समझ लेना गांव शहर आ गया। जब कुत्ते का बच्चा गोद में हो और अपना बच्चा पैदल चले तो समझ लो शहर आ गया, धन्य है भारतीय संस्कृति है। अक्सर देखा जाए 50-50 लाख की गाड़ियां, लोगों से कहते भैया गाय रख लो, तो क्या जवाब मिलता है? स्वामी जी आपको नहीं पता, बड़ी विनम्रता है, लोग बच्चे नहीं है, आदमी नहीं मिलते, कौन उसकी देख रेख करेगा? आया फिर गुरुदेव ने बड़े प्यार से कहा, लाला ये गाड़ी के लिए भी तो आदमी है। नहीं गुरुदेव, वो गाड़ी तो इसलिए है कि मेहसाना से पोरबंदर अहमदाबाद जाना पड़े, ये यात्रा करवा दे। रे मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तेरी, जो सिर्फ आधुनिक यात्रा इस लोक की यात्रा करा रहा है उसके लिए तेरे पास समय है, धन है, पैसा, और जो तुझे उस धाम का भी परम यात्रा करवा दे उसके लिए समय नहीं है। इसलिए गौ चरणों में समर्पण होना चाहिए। आज भी बोलता हूं ओनली फॉर गोझरण से, किसी भी तरीके का कैंसर हो गारंटी से ठीक होता है, ये मैं दावा करता हूं इस मंच से WHO को बोलता हूं, आ जाओ आजमा लेना। गाय के गोबर के पंचगव्य से बांझ पुत्रियों को भी बेटा मिल जाता है, लेकिन आप गाय नहीं पालेंगे, इनोवा रखेंगे, जेक्वार रखेंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा समय रहा तो गौरी गणेश की पूजा किससे करोगे? भागवत कथा श्रवण का मतलब जीवन में बदलाव, बाकी टाइम पास करना तो कहीं भी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से पूछे बालक कथा कैसी लगी, मस्त मजा आई वा बाप रे, टाइम पास था विजय हूं करूं अपने ने बाबा, आचरण में उतारवानू जोईए ने, माँ बाप ने सेवा करू जोईए ना, ए करो ना तो पची भागवत ना फायदा हुए, टाइम पास मनोरंजन का साधन है नहीं, जीवन में बदलाव। भागवत कथा श्रवण करने के बाद अगर पुत्र रोज सुबह पिता का पैर छूने लगे, माता का पैर छूने लगे, मस्तक पे तिलक लगाने लगे, दरवाजे पे तुलसी हो, घर में अग्निहोत्र हो, ठाकुर की उपासना और चरणामृति का पान हो, तो भागवत का आनंद है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। 700 को पकड़ो, नश्वर को छोड़ दो, और आज परीक्षित जी ने क्या किया, तुम्हें मृत्यु सुनिश्चित है, सर्पदंश होगा, फिर डरना क्या? और उनके भाव क्या था, मन को समझा रहे थे क्या, ओ मेरे मनवा ओ मेरे मनवा, क्या है रे जग जग में तेरा।
भी माया जोड़ ले कितने महल बना ले तिनक 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 महल बना ले कितनी भी माया जोड़ ले कितने महल बना ले कितनी भी माया जोड़ ले कितने महल बना ले तेरे मरने के बाद में सुन ले तेरे ये घर वाले तुझको लेंगे छीन सब तेरा मेरे मनवा क्या है रे जग में तेरा मेरे मनवा क्या है रे जग में तेरा हाथ उठाएंगे और संकीर्तन करते हुए राम धुन लागी श्री राम धुन तरीके से पवित्रीकरण किया जाता है विप्र देवता हरि हवो मा पावित्रम पावित्रो सर्वास्थान गतो पिवा यम स्मरेत पुंडरीम काक्षा सवाह्या व्यंतरह सुचि ओम सह पुनात पवित्रीकरण का भाविक प्रमाण या शाब्दिक अर्थ ये है
अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आत्मा में देवत्व नहीं है तो पवित्रीकरण का कोई भी अभिप्राय नहीं। यज्ञ की भाषा बोलते हैं आप, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन यज्ञ का उत्पत्ति यज धातु से है। यज्ञ की उत्पत्ति यज धातु से है। अस्तु, यज धातु से यज्ञ निर्माण हुआ है और यज्ञ करने के लिए प्राण की वेदी, हृदय की संविधा, ज्ञान की अग्नि जला करके मन के विकारों की आहुतियां दी जाए तो यज्ञ पूर्ण होता है, अन्यथा यज्ञ का अभिप्राय। घी और सामग्री जलाने को ही यज्ञ नहीं कहते। अगर किसी अनाथ व्यक्ति का पार्थिव पड़ा है, कोई उसका अंत्येष्टि करने वाला नहीं है, आपने अगर अंत्येष्टि किया तो यज्ञ से कम नहीं। कोई अबला कन्या समाज के कुदृष्टि का शिकार बन रही है, आपने उसका विवाह कराया तो कोटि यज्ञ से कम नहीं है। कोई बालक है, शिक्षा का दान दिया, उसके लिए व्यवस्था कराई तो वो भी यज्ञ है। हमारा तो स्लोगन ही है कि नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, एंड माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट, माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। कहने का अभिप्राय है बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कोई भी परमार्थ का कार्य यज्ञ से कम नहीं। परम धन अर्थ अस्तु परमार्थ, जीवन का परम अर्थ इस परमार्थ में ही छिपा हुआ है, क्योंकि ये पॉलिसी है, जैसे आप दोगे वैसे आप लोगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं यहां? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है ना, तो यहां पर हृदय पे बिहारी का आसन है, भागवत जी का आसन है, ज्ञान का प्रकाश है, वैराग्य, भक्ति और सूक्ष्म रूप से देवताओं के आसन आपके सुरक्षा कवच हैं, और इसे श्रवण करने के बाद आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाएगा, दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, ऐसा वेद अभ्यास जी ने कहा है। भागवत कथा श्रवण करना है तो पात्र, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अगर आपका पात्र ही सही नहीं है ना, तो विष के पात्र में अमृत डालने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अमृत भी विष में बदल जाएगा। भगवान राम का अवतार होना था शेखावत जी, सारी तिथियां 1, 2, 3 सारी तिथियां, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, सब लाइन में खड़ी है, सारे भाव से कहती हैं प्रभु मुझ में अवतार लो, द्वादशी कहती है मुझ में अवतार लो, 8 की 8 तिथियां स्वागत करती हैं प्रभु मुझ में अवतार लो, लेकिन नवमी तिथि एक कोने में जा करके रुदन कर रही है, मेरे प्रभु ने कहा अरे नवमी तू क्यों रो रही है? कहने लगी महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं, रिक्त का मतलब खाली, और रिक्ता का मतलब अस्तित्व विहीन, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। नवमी ने कहा महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं इसलिए रो रही हूं, काश
मेरा भी मान होता तो मैं भी उस श्रृंखला में होती, मैं भी उस पंक्ति में होती, मैं भी निवेदन करती। भगवान ने कहा, रे मूर्खा, मेरा तो काम है खाली पात्र को भर देना, और नौमी में जन्म लेकर के भगवान ने नौमी का महत्व तो बढ़ दिया। नौमी अतिथि मधुमास पुनीत अवध चरित प्रतीत। नौमी की तिथि में भगवान ने जन्म लेकर के नौमी का महत्व बढ़ा दिया। और इतने नहीं, आजकल हर व्यापारी, हर संत नौ को ही गिनता है ना। राजेश जी, नौ नौ को क्यों गिनते हैं खंडेलवाल साहब? क्योंकि नौमी जो है ना, नौ पूर्ण अंक है, ये कभी कमी नहीं होता। आप लोग, हम तो बाबा कम पढ़े लिखे, आप गणित जोड़ लो, है ना सवारी है? हम लोग तो अंगूठा ठेक है, जो गुरु जी ने दे दिया वो अपने पल्ले में। मुझसे लोगों ने कहा, महाराज आप भागवत जी करते हो? मैंने बोला, जी मैं नहीं करता, भगवान की कृपा और शारदा जी जुबान पे आती वो कर जाती, मुझे तो अपना जीवन का संचालन करना नहीं आता, तो मैं भागवत क्या कर लूंगा। आपने कितने पुराण पढ़े? मैंने आपको कितने के बारे में ज्ञान है? बोले जी चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण। मैंने कहा, भैया मैंने एक ही चीज पढ़ी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो है गुरु पुराण, और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं। राम को गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को पड़ी, हमें आपको भी है, पर गुरु करना जान पहचान के है ना, और पानी पीना छान के। पानी का टीडीएस गड़बड़ रहा तो जॉइंडिस हो जाएगा, है ना, अम्लीय क्षारीय रहा ना तो फिर कोलाइटिस अल्सर भी हो सकता है, स्क्रीन डिजीज भी हो सकता है। और गुरु अगर जान पहचान के नहीं किया तो मामला कुछ और गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए बिना जाने पहचाने संबंध ना बनाए। मैं आवाहन अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, श्री श्री 1008 लिखा जाता है, और ईश्वर की अनुकंपा से हर गुरु पूर्णिमा को, हर गुरु पूर्णिमा को 5-10 हजार लोग तो होते ही हैं, पर अनुरागी होते हैं। आज तक मैंने एक भी व्यक्ति को गुरु दीक्षा नहीं दी। लोग बोलते, महाराज आपका तो राष्ट्रीय स्तर पे काम है, आप गूगल पे जाओ, गूगल देवता से पूछो, हु इज ब्रह्मांडपुरी, सब बता देंगे, वो कहां सेवा है, कहां है। यूट्यूब पे जाओ, वो बता देगा। अभी आपका कार्यक्रम KM म्यूजिक इंडिया टीवी जो ऑन करेगा ना अपने यहां, उसके यहां से लाइव जा रहा है। आप इतने प्रखर हैं, प्रभावी हैं, फिर आपने शिष्य क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा, भाई अभी मैं खुद ही शिष्य हूं, गुरु नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी आदत धरातल पर रहने की है, उसी में आनंद आता है। क्योंकि शिष्य का जीवन शीशे जैसा पारदर्शी होता है। अब तो जमाना ऐसा चल रहा है, गुरु चेले एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे। हाँ, चेला चाहता है एक ही दिन में मेरा बेड़ा पार हो जाए, और गुरु चाहता है एक ही दिन में पूरे आश्रम का खर्चा आ जाए। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? विरक्त। गुरु को नहीं चाहिए जिहवा का स्वाद। 1-1.5 महीने पहले की बात है, हमारे खंडेलवाल साहब है, गुरु जी एसी लगवा देते हैं, इधर बहुत तकलीफ हो रही है, इधर इसको तोड़ करके इस आश्रम को मोरर बनाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन खंडेलवाल साहब ने कहा कि गुरुदेव ये आश्रम को तोड़ देते, अब नए तरीके से बनाएंगे। मैंने बोला, आज आया फिर तुझे सुनना पड़ेगा अच्छा वाला श्लोक, पहले तू स्वयं को बना,
और अपने गुरु भाइयों के लिए बना। मेरी झोपड़ी तो ऐसे ही ठीक है, मैं एक तकत में ही ठीक हूं। क्योंकि आदमी ध्यान कर लेना आप थोड़ा सा, कुछ बातों पे चर्चा ठीक ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि वाद और संवाद की प्रक्रिया है मेरे भाई। कोई भी गृहस्थ अगर आवश्यकता से ज्यादा भागता है तो परिवार से दूर हो जाता है, और जीता किसके लिए? व्हाट इज द पर्पज योर लाइफ? बढ़ा लो लमझम, आज अमेरिका में हो तो कल सऊदीया में हो, परसों उधर हो, बेटी के सिर पे हाथ रखने की टाइम नहीं है। बेटा आज का दिन कैसा रहा? और संत सन्यासी जब जरूरत से ज्यादा शिष्य बना के भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है तो वो साधना से दूर हो जाता है। जैसे आपका रुपया पैसा दौलत करोड़ों का बंगला है ना, ऐसे हम संतों की सब दौलत है साधना, यज्ञ हवन पूजा कर्मकांड, उसमें लिप्त रहना चाहिए। क्योंकि साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, और भावना पाषाण को भगवान बना देता है। नैतिकता के स्तर से नीचे उतर जाने के बाद वासना इंसान को शैतान बना देता है। करता रह हरि भजन, चल परमार्थ की राहों पे, ओ ब्रह्मांडपुरी, हरि भजन मोक्ष धाम दिला देता है, मोक्ष धाम दिला। श्रीमद् भागवत कथा में देखे एक भूमिका के हिसाब से आपको बताएं, संतों की चर्चा करते आए, गुरुओं की चर्चा आए, तो मेरे भाई ध्यान देना, जो काम भगवंत नहीं कर सकता वो काम संत करता है, ऐसा प्रमाण भागवत के अंदर है। भक्ति जिसके लिए आदेश दे दे उसे मुक्ति मिल जाती है ना, ऐसा प्रमाण है ना। भक्ति चैतन्य हुई ना, भक्ति जिसको आदेश करे उसे मुक्ति हो जाती, लेकिन स्वयं के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब मूर्छित हो गए तो भक्ति से कुछ नहीं हुआ महाराज, संतों का सानिध्य लेना पड़ा। आज ब्रज में वृद्ध भक्ति युवा हो गई है, जवान हो गई है, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर पड़े हैं। तब उसने किसका सहारा लिया कि भो भो ब्राह्मण क्षणिक तेष्टा, भो भो ब्राह्मण क्षण मतिष्ठम मच्चिंताय पिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। वो देव ऋषि नारद को कहती है, संत देवता है परमात्मा के स्वरूप। रामचरितमानस में तो राजेश जी गोस्वामी जी ने संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया है। प्रमाण है उस चौपाई का कि राम भगति जह सुर सरी धागा, 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 ब्रह्म विचार प्रचारा।
मुक्ति है। माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, लेकिन कब? यूं तो हजारों नहाते हैं गंगा में जाके, पर अगर नियत ही साफ नहीं होगा तो गंगा का पानी क्या खाक पाक होगा। पहले नियत साफ करो, अंदर की गंदगी हटाओ, तब बंदगी आपकी स्वीकार होगी। और जब आपकी अंदर की गंदगी हट जाएगी, आपकी बंदगी स्वीकार होगी, तो मेरे भाई आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रयाग में जैसा तीर्थ है, सुरसरी की धारा बहने का महत्व है, ऐसे इन संतों के हृदय में सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सदैव ब्रह्म के विचार का चिंतन ध्यान धारणा करके लोगों में परमात्मा का प्रचार करते हैं। अस्तु ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, और जो दर्शन प्रयाग में करता है, स्नान करता है, वही लाभ अगर संत के चरण को धोकर पिया जाए तो भव मुक्ति हो जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है, अनुभव भी किया है, क्योंकि संतों का सानिध्य के बिना कुछ होता नहीं महाराज। भक्ति ने संत का सानिध्य लिया और कहने लगी, प्रभु क्षण मात्र रुको, मेरी समस्या का समाधान करो। दर्शन की तो बात कर रही है, लेकिन कह रहे बहुधा, बहुधा यानी कई बार, बहुधा तव वाक्येन दुख नाश विनश्यति। कई बार तो आपके वाक्य का श्रवण करके ही दुखों का नाश हो जाता। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदह। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्य इकट्ठा होता है, तब जाके संत के दर्शन होते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, आप ये बताओ, काशी तम काविमो, अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, शेखावत साहब शब्दों की श्रृंखला देखिए। आज लोग क्या कहते हैं, औरत, स्त्री को क्या कहते हैं? एक प्रमाण तो कल आपने सुना था ना, सीज माय मिसेज। हमारे पास शब्द हैं, लेकिन हम दूसरे राधे प्रणाम जी कहना है।
बस ये माहौल हो बाप जी है? हमारी बहन भी बोलती आज मेरे नाच कहा गया मां ममता ही हिम्मत ला लाज जिनमें ये ममता हिम्मत ला बालक बनाकर निर्वस्त्र होकर भोजन करा दिया ऐसे आदि शक्तियों को मेरा बार बार प्रणाम है। महिला अर्धांगनी जीवन संगिनी औरत नहीं अच्छा अपनी डिक्शनरी देखना व्याकरण में इसका अर्थ निकालना तो थोड़ा ठीक नहीं है। अब मैं जहां बैठा हूं यहां मेरी मर्यादा है कुछ शब्द नहीं बोल सकता लेकिन जीवन संगिनी महिला जीवन संगिनी है अर्धांगिनी धर्मांगिनी है। आज देवऋषि नारद ने काशि त्वम काम्यो चेमा कितने प्यार से बोला है सुंदरी हे मातृ शक्ति आप कौन हो देखने में तो बड़े सुंदर हो क्या पीड़ा है ये बताओ। आज भक्ति अपने संत के समक्ष रुदन कर रही है आप भी ध्यान कर लेना ससुराल में नहीं रोना
कम में शामिल कर ले अपने कम में। ए परमात्मा, मेरा ये शरीर जल जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे आने वाली हर जान से अपने भी ज्यादा हम तेरी हिफाजत करनी है। शिष्य के भाव, देव ऋषि नारद ने भक्ति से कहा, आप कौन हैं? अहम भक्ति रति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर जरऊ गंगा चा सरितस्मेव मत्से आप ही न चा में श्रेय सेविताया सुरो। कहते हैं भक्ति, कहते हैं देवऋषि नारद, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए दोनों पुत्र मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं च करना।